क्या बताऊं मैं आप लोगों को, मेरा वॉलेट चोरी हो गया यहाँ से अभी अभी। एक ई रिक्शा वाले भैया के साथ मैं बैठा था, ये ई रिक्शा वाला भैया है। तो यार देखिए, मैं अभी खड़ा हूँ पुलिस थाने के बाहर। Hey guys, welcome back to another vlog। अभी मैं निकल रहा हूँ प्रयागराज जंक्शन से, और रात को एग बिरयानी के बाद तो अपन ने कुछ खाया नहीं था, लेकिन अभी अपन कुछ नाश्ता वगैरह करते हैं। तो लगभग 1200 किलोमीटर और 23 घंटे के सफर के बाद अपन प्रयागराज पहुंच चुके हैं पूरी से, और यहाँ से अपना घर जो है 800 किलोमीटर, हाँ 850 किलोमीटर के लमसम रह जाता है जयपुर। वैसे अपने को जाना था दिल्ली से होते हुए जयपुर, लेकिन वो टाइम ज़्यादा ले रहा था तो मैंने अपनी जर्नी को यहीं पे अबॉर्ट किया और मैं प्रयागराज उतर गया, क्योंकि मेरे को प्रयागराज भी थोड़ा घूमना था। तो अपन निकले थे पीछे वाले गेट की तरफ से, तो ये है मेन गेट प्रयागराज जंक्शन का। तो भाई यहाँ पे जो अमानती घर रहता है रेलवे स्टेशन का, वहाँ पर ये बैग नहीं रख सकते थे, इसलिए मुझे साथ कैरी करना पड़ रहा है, क्योंकि उनको चाहिए कि आपके बैग पे लॉक लगा होना चाहिए, ताला लगा होना चाहिए, तभी वो एक्सेप्ट करते हैं, अदरवाइज वो अमानती घर में नहीं रखते हैं। तो सबसे पहले अपन चल रहे हैं आनंद भवन, और ये रिक्शा अपन ने किए जो 20 रुपये लेती है रेलवे स्टेशन से आनंद भवन तक के, और उसके बाद अपन जाएंगे त्रिवेणी संगम। ऐसे कुछ रोड है यहाँ के, और भाई टैक्सी वाले ने हमसे झूठ बोल के हमें मतलब बीच रास्ते में ही उतार दिया 1.5 किलोमीटर पहले ही आनंद भवन से, और फिर मुझे ये टैक्सी करके जाना पड़ा आनंद भवन तक। वाले भैया ने अपने को चुंगी वाले पॉइंट पे कहीं उतार दिया था, उसके बाद अपने को 10 रुपए देकर यहाँ आनंद भवन तक आना पड़ा। तो गन्ने का जूस पीते हैं अभी, रेडी हो जाएगा अभी। अलग से चीनी डाली है क्या इसमें? चीनी क्या करेगा, चीनी गन्ना मीठा है। जब तक खाना नहीं खा ले तब तक कुछ तो जाए पेट के अंदर, इसलिए अपन ने गन्ने का जूस ले लिया, और अभी आनंद भवन संग्रहालय आ गया अपन। और यहाँ पे बता रहे 100 रुपए का जो है टिकट है, ये कुछ 100 रुपए की एंट्री टिकट है इनकी आनंद भवन संग्रहालय की, और ये कुछ आनंद भवन है, टिकट चेक होगी अभी। और हाँ दोस्तों, ये बता दूं मैं, जवाहरलाल नेहरू ने इसे बनवाया था 1930 में, और 1970 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने इसे गवर्नमेंट को हैंडओवर कर दिया पब्लिक के लिए एज ए म्यूजियम। ये कुछ उनकी पुस्तकें हैं, कुछ कलश वगैरह बर्तन वगैरह हैं, और ये कुछ उनका बेडरूम, यहाँ पे कार्यकारिणी समिति की बैठक हुई थी, तो इसी जगह पे बैठ के गांधी जी और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मीटिंग की थी, जैसा कि आपको दिख रहा होगा फोटो में। और दोस्तों बताना चाहूँगा कि जिनको भी पॉलिटिक्स की हिस्ट्री के बारे में थोड़ा भी इंटरेस्ट होगा वो ही इस प्लेस पे आना पसंद करेगा, अदरवाइज अपन जैसे लोग जो घूमने फिरने पे विश्वास रखते हैं, नई नई जगह को एक्सप्लोर करने पे विश्वास रखते हैं, वो यहाँ के बोर ही हो जाएंगे। और हमारा भी कुछ एक्सपीरियंस ऐसा ही था, कुछ ज़्यादा खास नहीं था इसमें एक्सप्लोर करने के लिए, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी और इंदिरा गांधी इनके ही इर्द गिर्द यहाँ पे मतलब सामान रखा हुआ है, और ये सारा कुछ जो है आपको दिख रहा है ये उनके रोज़मर्रा के यूज़ में आने वाली चीज़ें थी, जैसे कि बेडरूम हो गया, उनकी लाइब्रेरी, डाइनिंग हॉल, सब कुछ मतलब इधर लगा हुआ है। तो टोटली पूरा गांधी परिवार के बारे में यहाँ पे डिटेल में लिखा हुआ है सब कुछ, और प्रयागराज के कुछ लोकल स्कूल्स यहाँ पर बच्चों को लेकर आए हुए थे पिकनिक मनाने के लिए। अगर आप वेले हो और आपके पास करने के लिए कुछ भी नहीं है तो यहाँ आ जाना, बाकी और कुछ नहीं है। 100 रुपीज अगर आप पे कर रहे हो तो बिल्कुल भी सही नहीं है ये। तो यहाँ पे तो लगभग आपको आधे से पौने एक घंटा लग जाएगा अगर आप नॉर्मली घूमने आते हैं, और अगर आप थोड़ा डिटेल में जाना चाहते हैं तो 2-3 घंटे भी कम पड़ेंगे, क्योंकि हर चीज़ का डिस्क्रिप्शन बहुत अच्छे से दिया गया है। और ये मेरे पीछे इंदिरा भवन था, और वो पीछे जो है वो जवाहरलाल नेहरू का भवन था। 1930 से लेकर 1970 के बीच में जो भी उन्होंने काम किया था वो सारा यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है बाय फोटोज़ और बाय डिस्क्रिप्शन। तो चलो अपन एग्जिट की तरफ आ गए, बात करते हो आपसे। तो यहाँ पे काफ़ी देर बाद कुछ तो मिला देखा है, अभी देखते हैं इनसे कुछ मिल जाए बढ़िया। तो अभी अपन आ गए हैं भारद्वाज पार्क के सामने, और यहीं पर अपन कुछ खा रहे हैं। तो मैंने भैया को बोला मोमोज़ रेडी करवा दो आप, तो फ्राइड मोमोज़ बना रहे हैं अभी, तो इनको लगेगा 5-10 मिनट का टाइम। तो अपन अभी यहीं छाया में ढूंढते हैं कहीं, और छाया देख के कहीं बैठते हैं, और फिर इसके बाद चलेंगे अपन ये भारद्वाज पार्क के अंदर। तो ये मोमोज़ अपने आ गए हैं रेडियो के, तो अपन इनको खाते हैं और फिर चलते हैं अंदर, और इधर 1-1.5 घंटा स्पेंड करके आराम से। और हाँ ये भी बता दूँ, इसका 10 रुपये का टिकट है यार भारद्वाज पार्क का। इससे मोमोज़ खाने के बाद अब भैया से अपन चाउमीन रेडी करवा रहे हैं, और अंदर आराम से बैठ के खाएंगे। ऐसे कुछ एंट्री है भारद्वाज पार्क की, जहाँ पे एंट्री करते ही आपको झरना दिखेगा सबसे पहले आर्टिफिशियल। जो आपको मेरे पीछे दिख रही है ये है नवग्रह वाटिका। ये है नवग्रह वाटिका। इस पार्क में एंट्री करने के लिए आपको पे करने होते हैं 10 रुपये।
भारद्वाज पार्क की एंट्री के लिए, जो कि आनंद भवन से मात्र 50 मीटर के डिस्टेंस पे है। ये कुछ पार्क है और बहुत ही सुंदर पार्क है। ऐसे पार्क जयपुर में बहुत है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप जाके घूम सकते हो। ये देखिए पूरा दीवार पे उकेरा हुआ है बहुत सुंदर तरीके से, और ये सीताराम लक्ष्मण। तो यार इस पार्क में मुझे कपल्स ज़्यादा दिख रहे हैं, तो हर कोने को उन्होंने कैप्चर किया हुआ है चारों तरफ। कपल यहाँ बैठा है, दूसरा कपल यहाँ है, तीसरा यहाँ है, चौथा आपको दिख जाएगा वहाँ पे है पेड़ के पीछे। नो डाउट अच्छा है, बट यहाँ पे कपल ही ज़्यादा आते हैं, जैसा कि आपको मेरे पीछे दिख रहा होगा चारों तरफ कपल ही कपल है। चलो बढ़िया है, ये तो 10 रुपये में आपको प्राइवेसी मिल रही है अच्छी खासी। और यहाँ से अपने को चलना है सागर रत्न सबसे पहले, ताकि अपना अपना लंच कर सके, और यहाँ का सबसे फेमस है वो रेस्टोरेंट सागर रत्न। उसके बाद अपन चलेंगे त्रिवेणी, जहाँ पे 3 नदियों का संगम हो रहा है, गंगा यमुना सरस्वती। और दोस्तों यहाँ से निकलने के बाद जो मेरे साथ होने वाला था उसका मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था, जिसकी वजह से मेरा पूरा जो प्रयागराज ट्रिप था वो सारा ख़राब हो जाता है, और जो आपको आगे देखने को मिलेगा अभी। तो चलो कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो को अभी, तो चलो यहाँ से करते हैं रैप अप और चलते हैं बाहर। ये ऋषि भारद्वाज की मूर्ति लग रही है इस पार्क के जस्ट सामने। और दोस्तों इस मोमेंट के बाद जैसे ही मैं इस सर्किल को क्रॉस करके रोड के उस तरफ जाता हूँ, और ई रिक्शा वाला मुझे वहीं पे मिल जाता है और वो मुझे बैठा लेता है, और बैठाने के साथ ही 2 मिनट में वो मेरा पर्स निकाल लेता है। तो यहाँ पे कलश वगैरह लगे हुए थे, और दोस्तों वो ई रिक्शा वाला भैया मुझे ना ले जाके इस ऑटो वाले भैया की गाड़ी में बैठवा देता है, जिसमें मुझे 2 मिनट के बाद रियलाइज़ होता है कि मेरा पर्स जो है अपनी जगह पर नहीं था। तो मैंने तुरंत इन भैया को बोला कि आप रुकिए और यू टर्न लीजिए, बट ये नहीं लेते हैं, और उसके बाद मुझे यहाँ बीच में उतरना पड़ता है। देन मैं उसके पास रिटर्न जाता हूँ और देखता हूँ कि यार मेरा वॉलेट जो है जिसने चुराया था वो नहीं है वहाँ पे, और आसपास में हेल्प के लिए बोलता हूँ। और घटनास्थल से तकरीबन 100 मीटर के डिस्टेंस पे ही एक पुलिस स्टेशन था, मैं वहाँ पहुँच जाता हूँ, बट वो मेरी रिपोर्ट नहीं लिखते हैं और कहते हैं कि ये जो है दूसरे एरिया का केस है, आप यहाँ पर रिपोर्ट नहीं लिखवा सकते हैं। अभी यार क्या बताऊँ मैं आप लोगों को, मेरा वॉलेट चोरी हो गया यहाँ से अभी अभी। एक ई रिक्शा वाले भैया के साथ मैं बैठा था, उन्होंने मेरे को थोड़ा एडजस्ट करने के लिए इधर उधर कहा कि थोड़ा सा इधर एडजस्ट कर लीजिए, बैग इधर रख दीजिए। देन उसके बाद उसने मेरा वॉलेट कब निकाल लिया मुझे पता ही नहीं चला। और अभी भारद्वाज जो पार्क है, भारद्वाज पार्क, मैं उसके मेन गेट के सामने खड़ा था और वहीं से ये सब हादसा हो गया मेरे साथ। और अभी पुलिस वाले भी कोई हेल्प नहीं कर रहे मेरी, अब मेरे पास कैश बिल्कुल भी नहीं बचा है, मुझे देखना पड़ेगा अब क्या कर सकता हूँ। और मेरी गाड़ी है अभी 5 घंटे बाद। बहुत ही बेकार और घटिया एक्सपीरियंस है प्रयागराज का। अभी आया हूँ मैं कर्नलगंज। तकरीबन 2.5 घंटे बाद जब मेरी रिपोर्ट लिख ली जाती है, तो उसके बाद आसपास के ई रिक्शा वालों से पूछताछ की जाती है। तो यार देखिए मैं अभी खड़ा हूँ पुलिस थाने के बाहर, और यहाँ पे अभी FIR नोट करवाई है इन्होंने, खोया पाया वाली FIR नोट करवाई है। और अभी मैं कंट्रोल रूम गया था कैमरेज वगैरह देखने के लिए, तो बंदे तो आइडेंटिफाई हो गए, मतलब उनकी शक्लें सही नहीं आ रही, और जो है उनकी जो गाड़ी है वो गाड़ी तो आइडेंटिफाई हो गई, बट उस पर जो नंबर है ग्रीन कलर के वो विजिबल नहीं है, जिस कारण से ये आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं। तो उन्होंने कहा है कि 1-2 दिन हमें दीजिए, देख के बताते हैं। और अभी मेरी थोड़ी देर में गाड़ी है, मतलब तकरीबन 1.5 घंटे बाद मेरी गाड़ी है, तो पता नहीं क्या हो गया। स्माइल आ रही है, पर्स चोरी हो चुका है, 5,000 रुपये उसमें कैश था, और उसमें मेरे बाकी बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लाइक पैन कार्ड, आधार कार्ड नहीं था उसमें, उसमें ड्राइविंग लाइसेंस था, और उसमें क्रेडिट कार्ड थे मेरे 3, और एक डेबिट कार्ड था, और भी सारी चीज़ें थी, मतलब मेरी टिकट्स भी थी उसके अंदर। अब वो सारी चीज़ें उस पर्स के साथ निकल गई है, वो चोर भी पकड़ में नहीं आए हैं, और अभी मैं रोड पे भटक ही रहा हूँ। पे भारद्वाज स्टैचू पर मैं 3 से 4 बार आ चुका हूँ, ये दिख रहा हूँ आपको, बहुत ही मनहूस साबित हुआ मेरे लिए। अब क्या बताऊँ मैं, ब्लॉगिंग करना भी ज़रूरी है ना, आप लोगों को बताना भी ज़रूरी है पूरी बात। तो मैं पूरा इंसिडेंट बताता हूँ आपको। इसी तिलक केमिकल्स के सामने एक ई रिक्शा खड़ा था इधर, उसमें 3 लोग थे सवार, जिसमें से एक ड्राइवर था, एक उसके बगल में जो बैठता वो था, और एक सवारी की तरह एक और बैठा था उन्हीं का आदमी। तो वो आदमी बैठा हुआ था, उसने मुझे इशारा किया कि आप आ जाइए और मैं आपको त्रिवेणी घाट छोड़ दूँगा, जहाँ पर 3 नदियों का संगम होता है।
तो उसने मुझे बिठाया और पीछे के लिए मैंने बोला कि मैं पीछे बैठ जाता हूँ, तो उसने कहा कि पीछे मत बैठो, पीछे लेडी सवारी आएगी। मैंने कहा कि भैया ठीक है मैं आगे बैठ जाता हूँ। आगे बैठा, थोड़ा सा उसने मेरा बैग को आगे पीछे इधर उधर किया, उसके बाद पता ही नहीं चला कब क्या हुआ। और फिर तुरंत उन्होंने मुझे बोला दूसरी ऑटो रिक्शा रुकवा कर कि आप उसमें जाके बैठ जाइए, क्योंकि उनका काम हो चुका था, जो उन्होंने पर्स चोरी करना था वो उनका काम हो चुका था। इसके बाद तुरंत उन्होंने मेरे को ऑटो रिक्शा में बैठाया और मैंने कंट्रोल रूम से जैसा देखा, मेरे को बैठाने के तुरंत 2 सेकंड के भीतर ही, मतलब मैं बैठा भी नहीं था, इतने में वो सारे के सारे रवाना हो गए थे। मतलब हद देखिए और हिम्मत देखिए। और मैं पुलिस स्टेशन था अभी, तो ऐसे ऐसे मतलब इंसिडेंट आ रहे थे कि यार किसी को गन पॉइंट पे लूट लिया, किसी को कैसे लूट लिया। तो अभी मैं महालक्ष्मी के ऑफिस में तो पहुंच गया हूं और अभी मेरी गाड़ी आएगी तकरीबन 1.5 घंटे के अंदर। और बाकी यार मेरा मूड तो नहीं कर रहा सिर्फ ब्लॉक करने का, बट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों को सारी चीज़ें बताना भी ज़रूरी है। तो मेरा वॉलेट जो चोरी हुआ था, मैंने आपको बताया वो कहाँ पर हुआ था, ई रिक्शा वाले भाई साहब ने चुराया था और दोनों ने ड्रिंक किया हुआ था। सिर्फ मेरे को एडजस्ट कराने के चक्कर में ही, मतलब आपको बोलेंगे इधर उधर हो जाओ, थोड़ा सा इधर हो जाओ, थोड़ा सा उधर हो जाओ, ऐसे करके वो आपका पर्स निकाल रहे होते हैं। तो उन्होंने वही चीज़ मेरे साथ की थी, मेरे ध्यान को है ना मेरे बैग पे बटा दिया, तो मेरे ध्यान मेरा बैग पे चला गया और उसके बाद उन्होंने मेरे चुपके से पर्स निकाल लिया। और दोस्तों पर्स के अंदर मेरे तकरीबन 5,000 रुपीज़ कैश था और डेबिट कार्ड था 1, क्रेडिट कार्ड थे 3 और उसके अलावा मेरा वोटर आईडी था, ड्राइविंग लाइसेंस था और पैन कार्ड था मेरा उसके अंदर, तो बाकी कुछ टिकट्स वगैरह थी। तो चोरी हो गया, मैंने FIR वगैरह करवा दिए पुलिस स्टेशन में। अब वो आके मेरे को 2-3 दिन में उसका रिपोर्ट कार्ड दे देंगे कि क्या हुआ क्या नहीं। तो फिलहाल अपन निकल रहे हैं, मतलब अच्छा नहीं लग रहा है, वो तो बात समझ में आई गई और भी अच्छा नहीं लगता है इस चीज़ों में। 2-3 क्लिप डाल दूंगा मैं अपनी ट्रेवल जर्नी की कि कहाँ रुक रहे हैं, कहाँ खा रहे हैं, ये तो मैं डालूंगा। मतलब कोई ऐसे सदमे वाली बात नहीं है, लेकिन एक सबक है कि मैं प्रयागराज से दिल्ली जा रहा था, मेरी कंफर्म टिकट थी, सब कुछ था मेरे पास, बट उसके बाद क्या होता है कि मैं प्रयागराज में उतर जाता हूँ और उसके बाद मैं 2 जगह घूमता हूँ, आनंद विहार के अंदर और उसके अलावा भारद्वाज पार्क के अंदर घूमता हूँ। भारद्वाज पार्क से जैसे निकलता हूँ त्रिवेणी के लिए कि त्रिवेणी का संगम देखना है, और वहीं पर मेरे साथ ये चीज़ हो जाती है। जो भी होता है, मतलब क्या मतलब समझ में नहीं आया, अच्छे के लिए होता है, बुरे के लिए होता है, लेकिन अब जो हो गया सो हो गया, अब अपन देखते क्या हो सकता है बाकी। इन फ्यूचर के लिए और मेरे सारे व्यूवर्स के लिए ये सबक है, अगर आप कोई लंबी ट्रिप कर रहे हो तो गोल्ड तो ना ही पहने तो बेहतर होगा, क्योंकि यहाँ पे मतलब मैं अभी पुलिस स्टेशन में बैठा हुआ था तो भाई साहब बता रहे थे कि यहाँ से 2 गली छोड़ के, मतलब पुलिस स्टेशन से 2 गली छोड़ के किसी को गन पॉइंट पे लूट लिया रात को 10-11 बजे के लमसम। वो निकला था यहाँ से घूमने के लिए तो उसके सर पे गन पॉइंट रख के उसको लूट लिया, उसका पैसा, उसका मोबाइल वगैरह सब चोरी कर लिया था। तो इस तरीके के इंसिडेंट यहाँ होते रहते हैं, थोड़ा सा सबक ले लें इस चीज़ को लेके। तो गाइस अभी उस इंसिडेंट को तकरीबन 3 हफ्ते से ज़्यादा का समय हो चुका था। इंसिडेंट हुआ था 30 दिसंबर को और आज हो रही है 22 जनवरी, तो ये देख लीजिए ऑलमोस्ट तकरीबन 1 महीना होने को हो रहा है, लेकिन यूपी पुलिस की तरफ से मेरे लिए कोई भी अपडेट नहीं है कि वो मुझे आगे से कॉल करके बताए कि ऐसा हुआ है। जबकि मैंने कंट्रोल रूम के अंदर जाके विद इन 15-20 मिनट मैंने 4 जगह पर उन चोरों को आइडेंटिफाई कर लिया था डिफरेंट लोकेशंस पर, बट इतने सारे कैमराज होने के बावजूद भी वो चोरों को नहीं पकड़ पा रहे जिनको मैंने पकड़ लिया था, मतलब उसके अंदर कैमरे के अंदर, और उनको बता दिया था कि ये गाड़ी है। पूरा उसके अंदर कलर वगैरह, गाड़ी के स्ट्रक्चर, स्टिकर्स कहाँ पर कैसे क्या लगा हुआ, वो सब कुछ आइडेंटिफाई हो गया था। बट स्टिल 1 महीना होने को हो रहा है बट कोई भी एक्शन नहीं हुआ है यूपी पुलिस की तरफ से। एक छोटी सी चोरी डकैती थी बट एक्शन नहीं लिया जाए तो यार उनके हौसले बुलंद ही होते हैं अक्सर, तो यही अभी हो रहा है कि अब 1 महीना हो चुका है और वो चोरों ने न जाने कितनी और चोरियां की होगी, वो स्टिल अभी पकड़ में नहीं आ रहे और उनके हौसले बुलंद होते जाएंगे। तो मेरे तो सिर्फ एक ही गुजारिश है यूपी पुलिस से, आप उनको जल्द से जल्द पकड़ने की कोशिश करें
और यार कितना सपोर्ट करे, मतलब कैमरे के अंदर चार जगह बता देना विद इन 15 मिनट। आपके पास तो पूरा 25 दिन का समय बीत चुका है, तो इन चोरों का हौसला कितना बढ़ गया होगा, उन्होंने कितनी चोरियां की होगी। और जो मेरी तरह काफी सारे टूरिस्ट आते हैं हजारों किलोमीटर दूर से, मैं खुद 850 किलोमीटर दूर से वहां आया हुआ था, और प्रयागराज भी पूरा घूमना नहीं हो सका, जैसा कि आपने देखा ही है कि मैं सिर्फ दो प्लेसेस को घूमने गया, मतलब घूम पाया था, दो प्लेसेस को ही घूम पाया था। और त्रिवेणी घाट के लिए मैं जैसे निकला ही था, जो कि मेन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है प्रयागराज का, वो ही नहीं देखा मैंने वहाँ पे। और उसके बाद मतलब 5-6 घंटे मेरे पुलिस स्टेशन के चक्कर काटते हुए, जो नज़दीकी पुलिस स्टेशन था उसने मेरी रिपोर्ट नहीं लिखी, कहा कि ये जो है दूसरे एरिया का पड़ता है, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि मेरे पास 1 भी रुपया नहीं है, तो आप कृपया करके जो भी कंसर्न पुलिस डिपार्टमेंट है वहाँ पे मुझे ड्रॉप कर दें। तो वहाँ पे एक बंदे ने मेरी हेल्प की और वो मुझे कंसर्न पुलिस स्टेशन के पास लेके गया, और वहाँ पे मैंने अपनी एक एप्लीकेशन दी। देन उसके बाद उन्होंने मेरे को कंट्रोल रूम भेजा, और वहाँ पे मैंने उन लोगों को आइडेंटिफाई किया कैमरे के अंदर। और उसके बाद मेरी गाड़ी थी लक्ष्मी हॉलीडेज़ की तरफ से, तो मैं उनके ऑफिस जाकर बैठ गया, और वहीं से मैंने अपनी गाड़ी बोर्ड की, क्योंकि गाड़ी की टिकट मैंने ट्रेन के अंदर ही बुक कर ली थी, इसलिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो जी अपनी बस भी आ गई महालक्ष्मी ट्रेवल्स की, और अंदर से इंटीरियर ऐसा है बस का। खाना बता दो यार, अनएक्सपेक्टेडली बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। जयपुर 119 किलोमीटर रह गया अभी यहाँ से। हाँ तो भाई राजस्थान रोडवेज वाले यहाँ पे भी ओवरटेक कर रहे हैं। तो देखो ये हमारी बस है, और भाई साहब ड्राइवर हमारे बहुत शानदार गाड़ी चला रहे हैं। चलो तो ये अपनी गाड़ी थी कुछ।